माफियाओं के द्वारा परिक्रमा मार्ग के पानी घाट पर अवैध कब्जे को नगर निगम ने कराया ध्वस्त। नगर निगम जमीनों को अपने कब्जे में लेकर पार्क एटीएम, वाटर बैंक एटीएम, बस शौचालय का निर्माण कराएगा, जिसका टेंडर पास हो चुका है और प्रस्ताव भी पास हो गया है। नगर निगम के लोग आज भारी पुलिस बल के साथ जैसे भी लेकर पानीघाट ललिता आश्रम के पास परिक्रमा मार्ग पहुँचे और वहां की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस बल होने के कारण कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया। नगर निगम के कर्मचारी श्री गोपाल वशिष्ठ ने अपनी बाइक में बताया कि यह नगर निगम में जमीन आ चुकी है, जो कि पहले वृंदावन खादर में थी, अब इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना 31 दिसंबर 2019 के बाद जितने भी नवीन क्षेत्र हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं, उनमें से राजपुर खादर भी क्षेत्र है। हाँ। और ये श्रेणी 3 की भूमि है और ये ग्राम सभा की भूमि है। आज की डेट में नगर निगम की संपत्ति है और इस पर जो श्रेणी 3 के काश्तकार थे उनका नाम शासन द्वारा खारिज कर दिया है। वर्तमान में ये नगर निगम की भूमि है, इस पर पार्क प्रस्तावित है और एक टॉयलेट नगरायुक्त महोदय द्वारा इस पर सुंदर पार्क आम जन सुविधा बनवाया जा रहा है और एक आधुनिक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे कब्जा ले रखा था, इसे मुक्त कराया जा रहा है और नगर निगम जमीन को अपने स्वामित्व में ले रही है। मौके पर राजस्व विभाग की टीम कानून और लेखपाल भी हमारे साथ। जैसे कि और भी जगह में नगर निगम में जो भी क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं और जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा है, वो नगरायुक्त महोदय द्वारा पूरा ड्राइव चलवाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में जो भी नगर निगम की जमीन है, सारी कब्जा मुक्त करा के नगर निगम